नाम है कि कांग्रेस के हाईकमान राहुल गांधी ने पार्टी तो अस्तीफा दे दिता है, पर फिर भी कांग्रेस के वर्कर ते लीडर होना खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। बीते दिन भाजपा के राज सभा संसद सुब्रमण्यम ने राहुल गांधी नु लेके टिप्पणी की थी, जिस कारण हुण कांग्रेस वर्कर अग बबूला होए पए ने ते उन्होंने सुब्रमण्यम ते बड़ा एक्शन लेंदे हुए शिकायत दर्ज करवा दी है। जी हाँ, यूथ कांग्रेस लोक सभा लुधियाना के प्रतिनिधि मंडल के राजीव राजा की प्रधानगी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना अश्विनी कपूर नु लिखती शिकायत दे के कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ते अभद्र टिप्पणी करने ते भाजपा के राज सभा संसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ IPC धारा 504, 505 ते 511 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। वर्णनयोग है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के कांग्रेस प्रधान के पद उत्ते अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर उन्होंने कायर दसिया सी, जिस कारण यह सारा बवाल खड़ा हो गया। इस मौके मीडिया के कैमरे सामने आ लुधियाना तो कांग्रेस के यूथ प्रधान राजीव राजा ने BJP खिलाफ खूब भड़ास कढ़ी ते चेतावनी भी दी। देखो तमाम लुधियाना यूथ कांग्रेस के सारे पदाधिकारी ऑफिस बेरे इकट्ठे हो गए। आज हम माननीय कॉम्प्लेक्स पहुँचे थे पुलिस कमिश्नर के यहाँ, वहाँ पे DCP साहब जो अश्विनी कपूर जी हैं उनको हमने आज मेमोरेंडम दिया। आज एक कंप्लेन फाइल की है 504, 505, 511 के तहत, जो सत्ता के नशे में चूर भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनको पता ही नहीं चलता किस टाइम पे क्या बात करनी है। अभद्र टिप्पणी यूज़ की उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, उनके खिलाफ एक अभद्र भाषा जो यूज़ की है उसके खिलाफ आज हम सब इकट्ठे होकर एक कंप्लेन फाइल करके आए हैं। बिल्कुल हर जगह पे मामले दर्ज हो रहे हैं। ये हमारा राइट बनता है कि राहुल जी हमारे प्रिय नेता हैं, तन मन धन से हम लोग उनके लिए काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ठीक है, अभी उन्होंने इस्तीफा ज़रूर दिया है, जब तक हमारे नए प्रेसिडेंट नहीं आते, हमारे और से हमारे जो कौमी प्रधान हैं, राष्ट्रीय प्रधान जिनको अध्यक्ष बोलते हैं, वो राहुल गांधी जी ही हैं, और जान तक भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लिए साडा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लिए बैल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो।